माननीय श्री लालजी वर्मा जी द्वारा जो प्रश्न उठाया गया सर महत्वपूर्ण है, मैं इसका पूरा विस्तार से वस्तुस्थिति से अवगत रहना चाहूँगा। जैसा माननीय सदस्य बहन केतकी जी ने बताया, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मूल भाव ये है कि किसी भी घर की बेटी का विवाह धूमधाम के साथ होना चाहिए, सम्मान के साथ होना चाहिए, और प्रत्येक ब्लॉक में या तहसील में जनपद में ऐसे आयोजन होते हैं, और उस आयोजन में जनप्रतिनिधि भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, मीडिया भी होता है, सारी अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं, और बहुत ही सफल योजना हमारी है जिसमें कुल 51,000 रुपये का लाभ एक जोड़े को मिलता है। 35,000 रुपये DBT के माध्यम से हम लोग बहू को बेटी को देते हैं, 10,000 रुपये की भेंट होती है दंपति के लिए, और 6,000 रुपये व्यवस्थाओं के लिए होते हैं। मूल रूप से ये योजना बहुत ही अच्छे से चल रही है। जो बलिया की घटना सुनिए प्लीज, आ रहा हूँ मैं। जो बलिया की घटना हुई है वो स्पष्ट रूप से एक चोरी का प्रयास है जिसको समय रहते हम लोग ने पकड़ा, और जैसे ही मेरी जानकारी आई, अरे पकड़ा तो उसमें भी शेम, ना पकड़ा तो शेम होती है, तो पकड़ा तो उसमें भी शेम बताइए। अरे जब पकड़ा है तो फिर उसमें तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने पकड़ा तो शेम, इसका मतलब गलत किया। शेम कब बोलना ये तो सीखो, बैठो माननीय मंत्री जी। जैसे ही ये प्रकरण जानकारी में आया इसमें कार्रवाई तुरंत शुरू की गई, और माननीय अध्यक्ष महोदय मैं स्वयं इसीलिए बलिया में गया क्योंकि एक योजना जो पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे से चल रही है, एक जगह पे गड़बड़ी क्यों हुई इसका जाके स्वयं, अरे सुनो तो, जाके स्वयं मैंने इसका परीक्षण किया। परीक्षण करने पे पाया कि कुछ ऐसे जोड़े थे जो पहले से शादीशुदा थे, उन्होंने अपना फॉर्म भरा, उनका वेरिफिकेशन कुछ अधिकारियों ने किया गलत तरीके से, और उन्होंने यहाँ पे शादी में शामिल होकर के जो अनुदान मिलता है उसको लेने की चेष्टा की। तत्काल इस भुगतान को रोका गया और FIR दर्ज किया गया। मैंने स्वयं जाकर के इसको देखा, और जिस प्रकार योगी जी के नेतृत्व में सरकार माफिया को मिट्टी मिलाने का काम करती है, भ्रष्टाचारियों को भूसा भरने का काम भी करती है। इस मामले में तीन, मेरे पास जो प्राप्त सूचना है उससे ज़्यादा गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, 3 अधिकारी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 11 दलाल इसमें जेल भेजे जा चुके हैं, और अभी गिरफ्तारियां इसमें और भी होंगी। किसी भी भ्रष्टाचारी को, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो दलाल हो, चाहे जो भी हो, उसको बख्शना नहीं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। स्वयं मैं इसका परीक्षण कर रहा हूँ, स्वयं मैं इसका समीक्षा कर रहा हूँ। धन्यवाद। जहाँ एक और चोर को पकड़ा गया है माननीय अध्यक्ष जी, ताले को भी मजबूत करने का काम किया गया है, दोबारा कहीं पे ऐसा मौका ना आए, इसलिए प्रत्येक विवाह में कंप्यूटरीकृत चित्र युक्त विवाह प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई गलत चेष्टा ऐसी ना कर पाए। जो सत्यापन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसको और मजबूत किया गया है, और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सैंपल परीक्षण की व्यवस्था भी कर दी गई है। कुल मिलाकर एक जगह पे एक चोर ने सेंध लगाने का प्रयास किया, उसको पकड़ा गया, पूरा पैसे को रोका गया, और आगे से ऐसी कुछ चेष्टा ना हो इसके लिए पूरी तरीके से मजबूती की गई है। और पुनः मैं कहना चाहूँगा, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, भूसा भर दिया जाएगा ऐसे भ्रष्टाचारी। धन्यवाद। मैंने